अब उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। माफिया चाहे कैसा भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो पुलिस को आंख दिखाएगा, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही है योगी की पुलिस। हाथरस में पशु चोरी से हुई पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दो पशु चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोली लगने से घायल दोनों पशु चोरों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव फरौली में बुधवार तड़के पुलिस व बदमाशों में हुई थी मुठभेड़। पशु चोर मेटाडोर में पशु चोरी करके ले जा रहे थे और इस दौरान जब हाथरस जंक्शन SHO रितेश कुमार ने वाहन को रुकवाने की कोशिश की तो पशु चोरों ने पुलिस पर ही कर दी थी फायरिंग। लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग के डर से पशु चोर वाहन और पशुओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए थे। वहीं सुबह से लेकर शाम तक पुलिस पशु चोरों की तलाश में जुट गई थी। इसी दौरान पशु चोर बरौली के जंगलों में छिपे हुए नजर आए। इस दौरान देर शाम पुलिस की पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई और गोली लगने से सद्दाम पुत्र पीर बख्श निवासी गांव मीरपुर कोतवाली खुर्जा व निजामुद्दीन पुत्र राजा निवासी नदरई कासगंज घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के बारे में पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बतलाया। विगत कुछ दिनों में जनपद हाथरस में पशु चोरी लूट की कई घटनाएं घट गई। इसी के मद्देनजर सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था अपने क्षेत्र में गतिशील रहेंगे और किसी भी रूप में घटना को घटित न होने देंगे। थानाध्यक्ष हाथरस जंक्शन अपने क्षेत्र में भ्रमणशील था तो ग्राम फरौली के पास एक बदमाशों की गाड़ी आ रही थी। उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखते ही सामने से आके पुलिस की गाड़ी में बहुत जोरदार टक्कर मारी और फिर फायरिंग किया, पथराव भी किया। पुलिस की ओर से बहुत जोरदार जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग से घबरा कर बदमाश उस गाड़ी को टाटा 407 थी छोड़ के खेतों में भाग गए। उस गाड़ी में एक भैंस भी लगी हुई थी चोरी की और फिर बदमाशों को काफ़ी तलाश की गई तो उस समय बदमाश नहीं मिला। परंतु ये घटना रात के लगभग 3:30 बजे की है, सुबह हो गई थी। बदमाशों की तलाश की जा रही थी और अभी भी बदमाशों की तलाश आसपास की जा रही है। बहुत संभावना है कि बदमाश मौजूद हो, तो इस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई की गई। शीघ्र ही भागे बदमाशों को की गिरफ्तारी की जाएगी।